Hello students, welcome to the class and today we are going to see the mean value, mean square value and the root mean square value. इसके पहले भी मैंने एक lecture लिया हूँ इसके ऊपर, this is the lecture 2, जहाँ पे मैंने कुछ examples लिए हैं और definition भी समझाया हुआ है. इस lecture भी मैं short में आपको definition समझाऊंगा और चार important solved example यहाँ पे हम देखने वाले हैं. और एक example मैंने आपको homework के लिए भी दिया हुआ है. तो चलिए start करते हैं यहाँ पे, definition देख लेते हैं हम short में. The mean value of the f of x over the range AB is defined as, it is mv equals to integral a to b f of x dx upon b minus a. ये b minus a को हम कहते हैं, it is what? Length of the base. ये जो integration denote करता है, ये area under the curve denote करता है. तो इन दोनों के ratio को हम कहते हैं, it is what? Mean value. वैसे हम define करते हैं, the mean square value of the f of x over the range a b, it is defined as msv equals to integral a to b f of x whole square dx upon b minus a. अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो हमने क्या किया है, ये जो फंक्शन था यहाँ पे इंटीग्रैंड, ओके, उसका बस स्क्वायर ले लिया है और उसको डिफाइन कर दिया, इट इज व्हाट? मीन स्क्वायर वैल्यू. बस उतना ही चेंज है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो एमएसवी है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और उसको हम बोलते हैं, इट इज व्हाट? आरएमएसवी, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो देयरफॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए बी इज डिफाइंड एज, इट इज आरएमएसवी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस एमएसवी. और वी कैन से इट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन बी माइनस ए. एकदम सिंपल है. तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको आर एम एस वी निकालना पड़ता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो हम एम एस वी निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं टू गेट, इट इज वॉट? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो इस वीडियो में मैंने चार एग्जाम्पल कवर किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. चलिए पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द आर एम एस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वन ओवर द रेंज एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू. Substitute the value of e square and e to the power 4 in the result and evaluate it further. तो पहले तो हमको RMSV निकालना पड़ेगा यहाँ पे और उसके बाद अगर e square और e to the power 4 जो हमारे RMSV में आएगा उसमें हम वो value put up कर देंगे. अब आपको पता है e का value कितना होता है, 2.718. वो आप यहाँ पे डाल देंगे, उसका square ले लेंगे और to the power 4 और बाद में उसको हम evaluate कर सकते हैं. तो उसको तो हम last में देखते हैं क्या करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं. द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स ओवर द रेंज ए बी इज डिफाइंड एज, अभी मैंने आपको बताया, आर एम एस वी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन बी माइनस ए. अब यहां पे आपको क्या चेक करना पड़ता है, ए और बी निकालने पड़ते हैं. अब आपको बोला है कि यहां पे रेंज है एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू, मतलब आपका ए हो जाएगा जीरो और बी हो जाएगा टू. तो आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 2 के बीच में और यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 0 और फंक्शन तो आपको दिया हुआ है, इट इज व्हाट? ई टू द पावर एक्स प्लस 1. तो हम यहां पे पहले निकाल लेते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू और उसका फिर हम अंडर रूट ले लेंगे टू गेट, इट इज व्हाट? आरएमएसवी, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो यहां हमने लिखा हुआ है, इट इज फॉर्मूला फॉर द मीन स्क्वायर वैल्यू, बस रूट हटा देना है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा. अब यहां पे वैल्यू पुट अप कर दीजिए. इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से 2, फंक्शन आपने पुट अप कर दिया ई टू द पावर एक्स प्लस 1, इट इज स्क्वायर डी एक्स अपॉन बी माइनस ए, मतलब 2 माइनस 0. अब a प्लस बी होल स्क्वायर आप लगा देंगे यहां पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, इट द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स इट द पावर x प्लस 1. आई सपोज आप इजीली लिख सकते हैं बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद बी स्क्वायर, इट इज वॉट? 1 वी आर हैविंग. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एकदम सिंपल है. ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर 2x अपॉन 2, e to the power x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा और 1 into dx से तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट इज व्हाट? x, जो मैंने यहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और 1/2 हमने यहां पे बाहर लिखा हुआ है. अब हम बस लिमिट्स पुट अप करेंगे यहां पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो हमारा अपर लिमिट 2 है तो x के जगह पे हम 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा e to the power 4, यहां पे जाएगा e to the power 2 और यहां पे 2. बाद में लोअर लिमिट पुट अप करेंगे, दैट इज 0, सो e to the power 0 यहां पे आएगा, e to the power 0 होता है 1, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया 1/2. उसके बाद यहां पे e to the power 0 ये 1 होता है तो ये प्लस 2 और यहां पे 0 आपने डायरेक्टली दिया प्लस 0 और पहला जो ब्रैकेट हमने ऑप्टेन किया हुआ है अपर लिमिट को पुट अप करके हमने ऑप्टेन किया हुआ है. अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए. ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इट इज व्हाट? -1/2 जो हमने यहां पे लिखा हुआ है. ये हो गया मेरा मीन स्क्वायर वैल्यू. अब हमें तो निकालना है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो आप इसका रूट ले लीजिए मीन स्क्वायर वैल्यू का, तो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ एमएसवी, सो रूट ऑफ दिस क्वांटिटी. अब इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कैलकुलेटर में वेरी इजिली, या अदरवाइज आप ई का वैल्यू पुट अप कर दीजिए 2.718. ओके, वो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है वो आप याद रखते हैं या 22/7, वैसे ई का भी वैल्यू आप याद रखिए, इट इज व्हाट?
2.718। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसका रूट निकाल लीजिए। याद रहे कैलकुलेटर में भी ये पूरा रूट एक साथ निकलता है, सो इसका आंसर आ जाएगा 4.559। सो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना। पहले आप निकाल लेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू और उसका रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू। सो दैट आर एम एस वी ऑफ द फंक्शन ए साइन पी टी ओवर हाफ पीरियड एक्सीड्स इट्स मीन वैल्यू ओवर द सेम हाफ पीरियड बाय नियरली 11%। अब यहां पे आपको एक चीज शो करनी है। अब शो क्या करना है, आपको आरएमएस भी निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ एमवी निकालना पड़ेगा, मतलब मीन वैल्यू। और फिर आपको शो करना है कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये एक्सीड कर रही है मीन वैल्यू से बाय 11% ओवर द हाफ पीरियड। सो ओवर द हाफ पीरियड क्या होता है इसको देखते हैं। तो ए साइन पी टी मेरा फंक्शन है यहां पे, तो आपको इसका पीरियड निकालना पड़ेगा बिकॉज यहां पे आपको रेंज ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ है। साइन पीटी का पीरियड मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये होता है इट इज व्हाट 2 पाई बाय पी। तो ए मेरा कांस्टेंट है तो ए साइन पीटी का भी पीरियड 2 पाई बाय पी होगा। बट आपको यहां पे जो मीन वैल्यू निकालनी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो आपको निकालनी है ओवर हाफ पीरियड। ओवर हाफ पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय पी मेरा फुल पीरियड है तो हाफ में आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ पीरियड क्या हो जाएगा इट इज व्हाट पाई बाय पी। और फिर हम रेंज ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे 0 कॉमा इट इज पाई बाय पी, ये आपको यहां पे नोट करना पड़ेगा। तो जब आपको पीरियड नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स रहते हैं साइन और कॉस या फिर टैन, उस समय ही आपको पीरियड नहीं दिया रहेगा, अदरवाइज बाकी फंक्शन के लिए आपको पीरियड गिवन रहेगा और साथ ही साथ आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी दिए रहेंगे। हेंस वी राइट हियर द पीरियड ऑफ ए साइन पी टी इज 2 पाई बाय पी, हेंस हाफ पीरियड इज पाई बाय पी। So the range of integration will be 0, pi by p. तो हमारा पहला जॉब रहता है कि आपको रेंज ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है जहां से आप a और b निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम निकालते हैं यहां पे मीन वैल्यू। सो द मीन वैल्यू ऑफ द f ऑफ t ओवर द रेंज ए बी इज डिफाइंड एज एम वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt अपॉन b माइनस a। एम वी मीन्स इट इज व्हाट मीन वैल्यू। अब यहां पे आप a क्या लेंगे, a विल बी 0 एंड b विल बी pi by p, और यहां पे आप डिनोमिनेटर में भी पाई बाय पी माइनस 0 कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा मीन वैल्यू। और फिर एफ ऑफ टी को आप यहां पे पुट अप कर देंगे, इट इज ए साइन पी टी। सो पाई बाय पी को आप पी बाय पाई लिख सकते हैं, साइन पी टी का आप इंटीग्रेशन करेंगे, ए तो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख सकते हैं, तो साइन पी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पी टी अपॉन पी, जिसको हमने यहां पे लिखा है माइनस कॉस पी टी अपॉन पी। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको लेना है 0 टू पाई बाय पी। यहां पे देखिए मैंने पाई बाय 3 लिख दिया गलती से, दिस शुड बी पाई बाय पी, ओके इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे पी और पी कैंसिल हो जाएगा, अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुटअप कर दीजिए और सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। तो आपने अगर टी के जगह पाई बाय पी पुटअप किया तो पी पी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस पाई। और यहां पे आपने जीरो पुट अप किया तो हो जाएगा कॉस जीरो माइनस लोअर लिमिट हमने किया, तो कॉस पाई होता है माइनस वन, सो माइनस माइनस गेट प्लस ईयर, और कॉस जीरो होता है वन, ओके और तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, तो हो जाएगा वन प्लस वन यहां पे। और इसी को हम लिखते हैं इट इज व्हाट टू ए बाय पाई। अब यहां पे ए तो कांस्टेंट है, 2 बाय पाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सो 2 बाय पाई मतलब इट इज व्हाट पाई, आप 3.14 पुट अप कर सकते हैं या 22/7 और उसको इवैल्यूएट कीजिए, ये आता है 0.637 a, ये हो गया मेरा मीन वैल्यू। अब हमको यहां पे आरएमएस भी मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं, फंक्शन तो हमारा सेम है और पीरियड भी हमको यहां पे पाई बाय पी ही लेना है, इसका मतलब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेंगे 0, पाई बाय पी। सो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी ओवर द रेंज ए बी इज डिफाइंड एज RMSV equals to under root of integral a to b f of t whole square dt upon b minus a, मतलब under root of MSV। हम यहाँ पे MSV निकाल लेते हैं, that is mean square value of a sin pt and that will be given by integral 0 to pi by p। देखिए a to b हमने डाल दिया, then f of t का square मतलब a sin pt का square, this is dt, b minus a मतलब pi by p minus 0। आपको root नहीं लिखना है, वो हमारा MSV हो जाता है, then it is what mean square value। इसे evaluate करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, उसको आप कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, पाई बाय पी को आप पी बाय पाई लिख सकते हैं यहां पे, और इसको हम साइन स्क्वायर पी टी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में वही किया हुआ है, पी ए स्क्वायर बाय पाई बाहर हो गया हमारा और साइन स्क्वायर पी टी लिखा। अब साइन स्क्वायर पी टी का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन रहता है, इट इज 1 माइनस कॉस 2 पी टी बाय 2 आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर पी टी को। अब इसका आप इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट है वो चला जाएगा बाहर, 1 into dt हो जाएगा, it is what dt, तो dt का इंटीग्रेशन t,
और cos 2pt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2pt अपॉन 2p। ओके, जो भी हमारा एंगल रहता है 2pt, ओके, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द t, और जो आता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द इट इज इंटीग्रेशन रूल। अब ये t हमने यहां पे लिख दिया पहला इंटीग्रेशन माइनस sin 2pt / 2p, और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, t के जगह पाई बाय भी पुट अप करेंगे, यहां पे भी आप पाई बाय भी पुट अप करेंगे तो pp कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इट इज sin ऑफ 2π, और अगर जीरो पुट अप करते तो t जीरो हो जाएगा, और sin 0 तो क्या होता है, जीरो होता है, उसको आप डायरेक्टली भी जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ इट इज पाई बाय p माइनस sin 2π अपॉन 2p माइनस दिस लोअर लिमिट, तो ये जीरो हो गया, साइन जीरो भी जीरो हो गया, तो लोअर लिमिट तो जीरो है। अब साइन 2π इसका वैल्यू कितना होता है, ये भी जीरो होता है, मैंने इसको पहले वीडियो में आपको समझाया हुआ है, साइन ऑफ एन पाई जीरो होता है अगर एन इंटीजर होता है, तो जैसे साइन पाई 2π 3π सभी जीरो होते हैं, तो यहाँ पे साइन 2π क्या हो जाएगा, जीरो। बचेगा फिर पाई बाय पी, पाई पाई कैंसिल हो रहे, पीपी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये स्मॉल पी होना चाहिए, गलती से कैपिटल पी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बचेगा क्या है, इट इज व्हाट, ए स्क्वायर बाय 2, ये मेरा हो गया एमएसवी, बट हमको निकालना है आरएमएसवी, तो आरएमएसवी ऑफ ए साइन पीटी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ इट इज एमएसवी। सो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं ए स्क्वायर बाय 2 का, तो ये जाएगा ए बाय रूट 2, ये हो गया हमारा आरएमएसवी, और 1 बाय रूट 2 होता है, इज व्हाट 0.707a। इसको आप इवेल्युएट कर लीजिए, नहीं भी किया तो भी चलता है, बट सिंप्लीफाई करके लिखा था, इट इज वेल एंड गुड। अब हमको एक और चीज यहां पे पूछा था, क्या कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक्सीड द मीन वैल्यू बाय द 11%, ये हमको शो करना है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में शो करते हैं। तो यहां पे हम निकाल रहे हैं परसेंटेज एक्सीड्स ऑफ आरएमएसवी ओवर द एमवी, तो आपने आरएमएसवी निकाला हुआ है, इट इज 0.70a, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब मीन वैल्यू से, दैट इज 0.637a, और अपॉन 0.637a लेना पड़ेगा, बिकॉज हम परसेंटेज एक्सीड आरएमएसवी ओवर एमवी ले रहे हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर में एमवी लिखेंगे, दैट इज मीन वैल्यू 0.637a इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज निकालना है, इसे आप इवैल्यूएट करेंगे तो हो जाएगा 10.989% एंड इट इज नियरली इक्वल्स टू 11%, हम बोल सकते हैं। सो देयरफॉर द परसेंटेज एक्सीड्स ऑफ आरएमएसवी ओवर द एमवी दैट वी हैव प्रूव्ड हियर, इट इज व्हाट 11% नियरली। Now I suppose you understood this example. चलिए next example देखते हैं. Example number 3. Obtain the root mean square value of f of t equals to 3 sin 2t plus 4 cos 2t over the range t lies between 0 to it is what pi. या फिर 0 less equal to t less equal to pi भी हम इसको बोल सकते हैं. ये example को आप ध्यान से देखिए. Because similar generalized example हम फिर हमने next लिया हुआ है. अगर ये आपको आ जाएगा तो उसको भी आप easily solve कर पाएंगे then. So, हमको यहां पे निकालना है इट इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी ओवर द रेंज ए बी इज डिफाइंड एज आरएमएसवी ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी होल स्क्वायर डीटी अपॉन बी माइनस ए, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एमएसवी। तो हम यहां पे एमएसवी निकालेंगे ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी होल स्क्वायर डीटी अपॉन बी माइनस ए। अब ए और बी आप यहां पे देखिए क्या रहेगा, आपका जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये 0 टू पाई दिया हुआ है, तो ए विल बी 0 एंड दिस बी विल बी पाई, और एफ ऑफ टी तो आपको दिया हुआ है 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t, इसे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई एफ ऑफ टी मतलब 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t का स्क्वायर dt अपॉन b माइनस ए मतलब पाई माइनस 0, तो इसको हम 1 बाय पाई यहां पे लिख सकते हैं, और इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है इट इज व्हाट a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब ये मेरा a हो गया, इसका स्क्वायर क्या, तो क्या हो जाएगा 9 sin स्क्वायर 2t बाद में 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके 3 into 4 इज व्हाट 12, 12 into 2 24, तो 24 into sin 2t एंड cos 2t बाद में 4 cos 2t का स्क्वायर दैट इज 16 cos स्क्वायर 2t जिसको हमने यहां पे लिख दिया हुआ है। अब यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1 बाय पाई 0 टू पाई 9 साइन स्क्वायर 2t हमने एज इट इज लिखा, और उसके बाद कॉस स्क्वायर 2t को हमने लिखा इट इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t, इसको कैसे लिखा, आपको एक रिलेशन पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही हमने यहां पे यूज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t लिख दिया हमने यहां पे, और साइमल्टेनियसली आपने यहां पे रिप्लेस किया हुआ है किसको साइन 2t एंड कॉस 2t को, तो साइन 2t कॉस 2t को रिप्लेस करने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये होता है इट इज व्हाट साइन 2 थीटा,
तो आपने 24 में से आपने 2 निकाल लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t एंड कॉस 2t उसको हमने लिख दिया इट इज व्हाट साइन 4t बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, और बचा यहां पे क्या इट इज व्हाट 12। अब इसका हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 9 साइन स्क्वायर 2t माइनस 16 साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा माइनस 7 साइन स्क्वायर 2t और यहां बचेगा इट इज व्हाट 16। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर 2t को आप फॉर्मूला लगा के ये लिख सकते हैं 1 माइनस इट इज व्हाट कॉस 4 2t बाय 2, और आप कॉस स्क्वायर 2t को भी आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 4 2t बाय 2। इसके बाद भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वेरी इजीली। अभी आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। तो देखिए इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको ये क्वांटिटी में लिख दिया यहाँ पे माइनस 7 साइन स्क्वायर 2t प्लस 12 साइन 4t एंड प्लस 16। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, बट साइन स्क्वायर 2t को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4t अपॉन इट इज 2 बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय इट इज 2। तो यहाँ पे 2t है इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4t आया हुआ है। अब ये ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर लेते हैं, इसको सामने में और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस 7 बाय 2 प्लस 16, वो हमारा हो जाएगा इट इज 25 बाय 2। और हमने अगर इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो हो जाएगा 7 बाय 2 कॉस 40 प्लस 12 साइन 40। अब इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, कॉस 40 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज साइन 40 बाय 4 और साइन 40 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 40 बाय इट इज 4। 25 बाय 2 ये तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन इट इज t जिसको हमने यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है। सो देयरफॉर मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी 1 बाय पाई 7 बाय 8 साइन 40 माइनस 3 कॉस 40 प्लस 25 बाय 2 t एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर फ्रॉम 0 टू पाई। तो अब आप अपर लिमिट पुट अप कीजिए, t के जगह पे आप पाई पुट अप कर देंगे यहां पे और बाद में लोअर लिमिट 0 पुट अप कर देंगे। तो आपने पाई अगर पुट अप किया तो साइन 4 पाई ये होता है 0, तो हमने यहां पे डायरेक्टली 0 लिख दिया। कॉस 4 पाई ये होता है प्लस 1। देखिए कॉस अगर मेरे पास इवन एंगल का आता है कॉस 0 कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई कॉस 6 पाई तो ये हमेशा 1 होते हैं, इसको आप याद रखिए। अगर ऑड एंगल में आता है तो वो माइनस होता है, मतलब कॉस पाई 3 पाई कॉस 5 पाई तो होता है माइनस 1। तो यहां पे कॉस 4 पाई मिल रहा है तो ये हो जाएगा प्लस 1 और टी के जगह पे आपने यहां पे पाई पुट अप कर दिया है। अब लोअर लिमिट पुट अप कर दीजिए 0, साइन 0 0 cos 0 होता है 1 इसलिए यहां बचा माइनस 3 ओनली और t यहां पे 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा 25 पाई बाय 2। तो यहां पे पाई पाई भी कैंसिल हो रहा है, मुझे मिल रहा है 25 बाय 2। ये हो गया मेरा MSV। मुझे तो निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो 1 में हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला लिखा था जहां पे हम MSV का बस स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 25 बाय 2 दैट इज 5 बाय रूट 2। ये आ गया मेरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन। ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट लिया हूं, उसको भी आप इजीली समझ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द मीन वैल्यू एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए साइन पी टी प्लस बी कॉस क्यू टी ओवर द इंटरवल 0 टू 2 पाई वेयर पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे आपको ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ इट इज व्हाट 0 टू 2 पाई, तो मतलब ए और बी आपको दिए हुए और पी और क्यू आपको बोला इट इज व्हाट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। So, यहां पे आपको मीन वैल्यू भी निकालना है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू। सो द मीन वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ टी ओवर द रेंज ए बी इज डिफाइंड एज मीन वैल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन बी माइनस ए। यहां पे dx गलती से आ गया, इट शुड बी डी टी हियर। ओके, देन इट विल बी गिवन बाय मीन वैल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बिकॉज आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दिए हुए हैं यहां पे और फंक्शन लिख दिया ए साइन पी टी प्लस बी कॉस क्यू टी और यहां पे dt, ओके, अपॉन दिस इज b माइनस ए। सो 2 माइनस 0 हो गया तो 1 बाय 2 पाई हम यहां पे लिख सकते हैं और उसके बाद आपको बस इंटीग्रेशन करना है। तो a तो कांस्टेंट है, साइन pt का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस a cos pt बाय p, ए हमने एज इट इज लिखा कांस्टेंट है तो बाद में cos qt का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज साइन pt बाय इट इज p। अब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे पुट अप कर देंगे, अपर लिमिट आप यहां पे पुट अप करते हैं तो इट इज व्हाट cos p * 2 पाई और यहां पे साइन पी इंटू इट इज वॉट 2 पाई एंड माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 और इट इज वॉट साइन 0 जिसको मैंने यहां पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कॉस ऑफ 2 इंटू पी पाई अगर हम निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया कॉस ऑफ अगर इवन एंगल रहता है तो उसका आंसर कितना होता है इट इज वॉट 1, तो यहां पे आ जाएगा इट इज वॉट 1 हो जाएगा माइनस ए बाई पी। अब यहां पे साइन 2 पी पाई है तो मैंने आपको बताया कि साइन ऑफ एन पाई ये वैल्यू होता है 0 और आपको बताया कि पी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कंप्लीट हमारा इंटीजर ही रहेगा। सो दिस वैल्यू ऑफ साइन विल बी इट इज व्हाट 0। वैसे फिर यहां पे कॉस 0 हो जाएगा 1 और साइन 0 हो जाएगा इट इज व्हाट 0, तो हमने यहां पे लिख दिया हुआ है मुझे मिलेगा माइनस ए बाय पी और यहां पे ये माइनस माइनस प्लस ए बाय पी हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और मुझे मीन वैल्यू मिल जाएगी इट इज व्हाट देन 0।
अब मीन वैल्यू यहां पे जीरो आ रही है, अब चेक करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना आता है। आरएमएसवी ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन इट इज बी माइनस ए, यहां पे होना चाहिए, मैंने ए माइनस बी लिख दिया गलती से, एंड दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ इट इज एमएसवी। पहले हम एमएसपी निकाल देते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, तो आपको एफ ऑफ टी जो है उसको यहाँ पे पुट अप कर देना है और लिमिट हम जीरो से टू पाई ले लेंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ टी हमको दिया हुआ है ए साइन पी टी प्लस बी कॉस क्यू टी, इसका हम स्क्वायर करेंगे अपॉन इट इज व्हाट बी माइनस ए मतलब टू पाई माइनस जीरो, तो इसको हम वन बाय टू लिख सकते हैं। अब इसका पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी साइन पी टी कॉस क्यू टी प्लस बी स्क्वायर इट इज कॉस स्क्वायर क्यू टी। अब देखिए हम यहाँ पे cos square qt को 1 माइनस sin square qt नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास sin square pt है, बिकॉज वो सिंप्लीफाई नहीं होगा फिर, ओके okay? तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने सिंप्लीफाई किया था और आंसर निकाला था, वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे sin square pt है और ये cos square qt है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन पीटी और कॉस क्यूटी है, तो यहाँ भी हम टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको टू टाइम्स ऑफ साइन है कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड देन वी कैन सॉल्व इट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो साइन स्क्वायर पीटी है इसको हम लिखेंगे वन माइनस कॉस ऑफ टू पीटी बाय इट इज टू, ओके। और उसके बाद ये जो कॉस स्क्वायर क्यूटी है इसको हम लिख देंगे वन प्लस कॉस ऑफ टू पीटी बाय इट इज टू। अब यहां पे 2 टाइम्स ऑफ साइन पी टी कॉस क्यू टी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए एंड कॉस बी, कैसे लिखते हैं बताइए, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी देन प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखिए यहां पे 2 टाइम्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं और बस जगह सिर्फ क्या इट इज ए बी, तो ए बी को हम अलग कर देंगे। सो देयरफॉर वी हैव रिटन इन द नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद साइन स्क्वायर पी टी को हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2 पी टी बाय 2, और उसके बाद यहां पे आपने फॉर्मूला लगा दिया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहां पे साइन ऑफ ए माइनस बी चाहिए था बट मैंने यहां पे प्लस कर दिया, तो ये माइनस है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यूटी को आपने लिख दिया वन प्लस कॉस टू पी टी बाय टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख देते हैं, इसको हमने लिख दिया ए स्क्वायर बाय टू वन माइनस कॉस टू पी टी प्लस ए बी, यहां से टी कॉमन निकाल दिया आपने तो जगह पी प्लस क्यू इंटू टी, यहां से भी आपने अगर t कॉमन निकाल दिया तो हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू टी, और बी स्क्वायर बाय टू इसको लिख दिया वन प्लस कॉस टू पी टी। अब इंटीग्रेशन करना यहां पे बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर बाय टू यहां पे एज इट इज रहेगा, वन का इंटीग्रेशन मतलब वन इंटू डी टी रहेगा, इंटीग्रेशन विल बी टी, कॉस टू पी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू पी टी बाय टू पी, और यहां पे साइन पी प्लस क्यू टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ पी प्लस क्यू टी अपॉन पी प्लस क्यू, यहां पे माइनस आना चाहिए, ओके। और वैसे साइन पी माइनस क्यू टी का भी इंटीग्रेशन होगा इट इज माइनस कॉस ऑफ पी माइनस क्यू टी अपॉन पी माइनस क्यू, एंड देन वन का इंटीग्रेशन मतलब डी टी का इंटीग्रेशन यहां पे टी लिख दिया, और कॉस टू पी टी का इंटीग्रेशन साइन टू पी टी बाय इट इज टू पी। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं, बार बार आपको लिमिट पुट अप करने का जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने 2 पाई पुट अप किया यहाँ पे, तो यहां तो 2 पाई आ जाएगा, अगर मैंने यहां 2 पाई पुट अप किया तो ये इवन एंगल हो रहा है मेरे पास, तो ये साइन ऑफ 4 पी पाई आ जाएगा, तो दैट विल बी जीरो, ओके, इसको हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। और अब हम यहां की बात करते हैं, यहां पे अगर मैंने 2 पाई पुट अप किया तो कॉस ऑफ इवन एंगल ये क्या होता है इट इज व्हाट 1, वैसे यहां भी कॉस ऑफ इवन एंगल आएगा, ये भी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस क्यू, तो वो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं बाद में। और उसके बाद फिर हम यहां पे अगर पुट अप करते हैं तो टी के जगह 2 पाई आएगा, और यहां पे अगर 2 पाई पुट अप किया तो साइन ऑफ 4 पाई आ जाएगा, तो साइन 4 पाई यहां पे जीरो हो जाएगा। बाद में लोअर लिमिट पुट अप करेंगे दैट इज जीरो, जीरो पुट अप के तो टी इज जीरो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो रहा है यहां पे, तो यहां पे फिर से माइनस वन अपॉन पी प्लस क्यू, यहां पे कॉस जीरो वन माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू आ जाएगा, यहां आप टी इक्वल्स टू जीरो पुट अप कर देंगे एंड साइन जीरो इज जीरो, तो इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो हमें एमएसपी मिल गया 1/2 पाई ऑफ दिस क्वांटिटी, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर देखिए आप ब्रैकेट यहां पे ओपन करते हैं, जैसे ये माइनस साइन मैंने यहां पे बाहर निकाली है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है अगर मैंने यहां बाले तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट्स पूरे सेम है तो कंप्लीटली यहां पे ये जो ब्रैकेट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो कैंसिल होते हैं तो बचता क्या हमारे पास यहां पे ए स्क्वायर बाय टू टू पाई, तो इसमें भी टू टू कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई बचेगा, यहां भी टू टू कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर पाई बचेगा, जिसे फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 1/2 पाई ए स्क्वायर पाई प्लस इट इज व्हाट बी स्क्वायर पाई, तो यहां से आप पाई कॉमन निकाल लीजिए, वो पाई भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू, ये हो गया मेरा एमएसवी।
बट हमको बोला कि आरएमएसवी निकालिए, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो हम अंडर रूट ले लेंगे एमएसवी का, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इट इज 2. सो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. यहां पर मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, बिकॉज हमको पी और क्यू इंटीजर दिए थे. अगर देखिए पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होते तो हमारा ये जो क्वांटिटी है जो हमने 2 पाई पुट अप किया यहां पे, ठीक है, तब ये वैल्यू जीरो नहीं हो पाती थी. सो पी और क्यू हमारे इंटीजर्स है तभी हम साइन फंक्शन को जीरो लिख पा रहे हैं और कॉस फंक्शन को यहाँ पे हम 1 लिख पा रहे हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू एंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. मैंने एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे आपको होमवर्क ले दिया हुआ है. फंक्शन है log x square, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिएगा. और आरएमएसवी का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज अंडर रूट ऑफ e माइनस 2 अपॉन e माइनस 1 आएगा. इसको अगर आप इवेल्यूट करते हैं e का वैल्यू पुट अप करके तो आ जाएगा 0.6465. इस क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस आरएमएसवी. सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी इस लेक्चर में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. और कुछ लेक्चर आपको चाहिए होगा कोई टॉपिक के ऊपर तो मुझे लिख के जरूर बताइए ताकि मैं उस लेक्चर को आपके लिए बना सकूं. सो इन दो लेक्चर में मैंने मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको मैं आपको समझाने का पूरा पूरी कोशिश किया हुआ है. आप इनको अच्छे से देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फाइनली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ. थैंक यू सो मच.